गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वीडियो ध्यान से देखिए, इधर ए रेस टू थ्री लिखा है मैंने, बराबर। ओके, ये थ्री क्या है और थ्री पावर है और ए क्या है, बेस। ओके दीजिए, ओके ध्यान से देखिए। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए रेस टू थ्री इक्वल टू, बराबर। तो ध्यान से देखिए, ए कितने टाइम्स ऊपर, तीन लिखा, तो तीन बार इंटू करना, ए वन टू थ्री टाइम्स। ओके, तो ये थ्री टाइम्स मैंने इंटू कर दिया। ओके ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए रेस टू टू, तो इधर टू लिखा है, इसका मीनिंग कितना बार लिखना है ए को, टू टाइम्स, जितना पावर लिखा हो उतना टाइम इंटू करना है, भूलना मत। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक प्रोसेस करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ए रेस टू थ्री इंटू ए रेस टू टू। ओके ओके, अभी देखो दोनों को मैं एक्सपेंड कर दूंगा, बराबर। देखिए ध्यान से देखिए, तीन बार लिख दिया ए को, और उसके बाद देखिए एक टू को लिखना है, लेकिन उसके पहले देखो बीच में पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को मैंने बता दिया, उसके बाद ए कितने टाइम से, टू टाइम्स, वन टाइम टू टाइम। ओके गुड फ्रेंड्स, अभी देखिए ध्यान से देखिए, अभी देखो ये पूरे प्रोसेस को मैंने ए काउंट कीजिए कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, बराबर। तो टोटल कितना हुआ, एज कितना है, टोटल फाइव एज है, बराबर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या देखने सीखने मिल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने मिल रहा है, ये सीखने मिल रहा है ऊपर का पावर ऐड हो रहा है, तो शॉर्टकट में देखा जाएगा तो ए रेस टू थ्री इंटू ए रेस टू टू बराबर किसके बराबर हुआ, ए थ्री प्लस टू, सो इट्स इक्वल टू ए रेस टू फाइव, बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट से एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम सीखने वाले हैं, बराबर। और फॉर्मूला क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, ध्यान से देखिए। सो ये वेरी गुड फॉर्मूला है, बराबर, कैसे करके मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ओके, तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए, मेन कंटेंट ये है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, अगर पावर मल्टीप्लाई होगा तो बीच में पावर के ऊपर प्लस। थैंक यू फ्रेंड्स।